What is going on, everybody? Welcome back guys to the channel and ये वीडियो में जो होगा हम एक रिव्यू करने वाले हैं एक न्यू गेमिंग माइक का, बेस्ट बजट गेमिंग माइक, क्योंकि इस बजट में जो है गाइस जो आपको ये माइक मिल रहा है बहुत ही खतरनाक है। तो यहाँ पे जो है गाइस एक पैकेज आया है माओना की तरफ से, यहाँ पे जो है गाइस ग्लोबल बेस्ट सेलिंग इंटरनेट माइक्रोफोन है। एंड सच में जो है गाइस ये ब्रांड अच्छी है माइक्रोफोन के लिए। मैंने पहले कभी इसके यूज नहीं किए हैं, लेकिन अभी जो है गाइस उन्होंने खुद ने भेजा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा अच्छा कहूंगा। जो भी मेरा फीडबैक है, जो भी मेरा रिव्यू है, वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो है गाइस ये पैकेज है, बॉक्स देख सकते हो काफी बड़ा है। एंड इसके अंदर जो है गाइस आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, तीन कलर के। तो यहाँ पे जो है गाइस व्हाइट है, पिंक है एंड ब्लैक है। तो हमें जो मिला है गाइस वो है ब्लैक। मेरे लिए ब्लैक इज ऑल टाइम फेवरेट, चाहे वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कलर हो, ठीक है, तू समझा। तो यहाँ पे जो है गाइस ये हमें मिला है। एंड इसके अंदर जो है गाइस बहुत सारी कुछ फीचर्स है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। एंड इसके अंदर क्या क्या आपको चीजें मिलती है वो भी जो है गाइस मैं जो है गाइस आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो कर देते इसकी अनबॉक्सिंग, यू नो, चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है गाइस हमने बक्सा खोल दिया। अनबॉक्स के अंदर जो है गाइस हमें कुछ चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे टोटल चार चीजें मैं नोटिस कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है गाइस यहाँ पे एक केबल हमें देखने को मिलती है। एंड ये जो है गाइस बहुत ही अच्छी केबल है, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर समझ लो आपके कैबिनेट के सामने जो है, यू नो, यूजुअली माइक्रो यूएसबी का स्लॉट होता है, लेकिन मान लो गाइस आपके कैबिनेट के सामने जो है गाइस यहाँ पे टाइप सी का भी कनेक्शन है, तो आप जो है गाइस यहाँ पे ये टाइप सी टू टाइप सी यू कैन यूज लाइक दैट टू। तो मतलब बहुत ही खतरनाक है। अगर टाइप सी नहीं है कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे जो है गाइस एक छोटा सा एडाप्टर यहाँ पे ऑलरेडी इसके अंदर है, तो ये जो है आप ऐसे यूज कर सकते हो। केबल भी आई थिंक लेंथ बहुत अच्छी खासी है, मैं बाद में खोल के दिखा दूंगा आपको। एंड इसके बाद जो है हमें मिलता है ये एक बूम आर्म, आई थिंक इसे कहते हैं। तो इसके जरिए जो है आप यहाँ पे ये माइक जो है इसके ऊपर, ये आम के ऊपर लगा सकते हो। अभी मेरे लिए जो है गाइस यहाँ पे ये टेबल पे ऐसे लगेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन ऐसे लगेगा एंड आई कैन लाइक मूव इट। मैं यहाँ पे अपने मुंह के सामने भी ला सकता हूँ, तो प्रीटी हैंडी। यहाँ पे जो है गाइस ये काफी हद तक जो है लंबा चौड़ा ये एक्सपांड हो सकता है। तो गाइस ये एक चीज हमें देखने को मिलती है। एंड उसके बाद जो है गाइस हमें ये एक मेन प्रोडक्ट देखने को मिलता है, जो कि है माओनो का DM20। एंड देख सकते हो बहुत ही क्यूट छोटा सा माइक है, लेकिन इसके अंदर जो हमें फीचर्स देखने को मिलता है बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे ऊपर ही जो है गाइस नॉइस कैंसिलेशन है। ये जो है गाइस RGB है भाई, गेमिंग वालो आपके लिए बेस्ट है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ऊपर एक बटन भी है, मैं आपको यहाँ पे कनेक्शन करने के बाद दिखा देता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ तो माइक है। और इसके साथ जो है गाइस हमें ये टेबल पे अटैच करने के लिए ये क्लैंप देखने को मिलता है, तो आप जो है गाइस ये टेबल पे ऐसे अटैच कर सकते हो। तो अगर सिंपल सी चीजें हैं, चार चीजें आपको मेजर इसमें देखने को मिलती है। यहाँ पे जो है गाइस सैडली हमें जो है माइक के नीचे ही राइट अवे एक स्टैंड देखने को नहीं मिलता, जैसे कि हम ऐसे ही रख दे तो आपको जो है गाइस ये लगाकर ही यूज करना पड़ेगा। कीप दैट इन माइंड, ठीक है। मे बी शायद से वो स्टैंड वाला वेरिएंट हो सकता है, लेकिन मुझे जो मिला है वो इस बूम आर्म का है, तो मुझे जो है गाइस ये अटैच करना पड़ेगा एंड मैं मिलता हूं अटैच करने के बाद, ठीक है। हवा मेरे को इसकी तरह बराबर लग रही है, पर ये पहिए अगर हम निकल सके तो मालूम पड़ेगा कि इसकी इधर लोचा क्या है। आप भी ठीक है, तो अभी तो हाथ में है। ओके, तो अभी जो है गाइस मैंने पूरा सेट कर दिया है। एंड यहाँ पे जैसे देख रहे हो, अभी जो आप आवाज सुन रहे हो ना, ये जो है इस माइक से डायरेक्टली आ रही है, ठीक है। एंड ये जो है गाइस रॉ ऑडियो है, यहाँ पे इसके ऊपर मैंने कुछ भी फिल्टर ऐड नहीं किया है। एंड सबसे मेन बात, अगर मैं अभी शांत हो जाऊँ तो मैंने जो है गाइस पंखा जो है फुल फास्ट रखा है, तो उसकी जो है गाइस थोड़ी सी आपको नॉइज आएगी, मैं पूरा शांत हो जाता हूँ। यहाँ पे जो है गाइस सबसे बेस्ट फीचर दिखाता हूँ इस DM20 गेमिंग माइक्रोफोन का, जो कि है गाइस नॉइज सप्रेशन। तो यहाँ पे जो है गाइस मैं शांत हो जाता हूँ, पहले सन्नाटा सुन लो। तो यहाँ पे जो है गाइस कुछ ना कुछ तो थोड़ी सी आवाज आ रही होगी हवे की, क्योंकि मैंने जो है गाइस फैन लिटरली फुल स्पीड पे रखा है। लेकिन अभी जो है गाइस अगर मैं नॉइस सप्रेशन ऑन करता हूँ, जो कि गाइस यहाँ पे ऊपर एक बटन है, आपको जस्ट लॉन्ग प्रेस करना है एंड यहाँ पे जो LED आप देख रहे हो ग्रीन वाली, वो जो है गाइस ब्लू में टर्न हो जाती है। तो अगर मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ, तो अभी जो है गाइस ये ब्लू में टर्न हो गई है। एंड अभी अगर मैं शांत हो जाऊँ, लिटरली मतलब मैं अपने रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में देख रहा हूँ, यहाँ पे जो है गाइस एकदम सीधी लाइन है, यहाँ पे कुछ भी बैकग्राउंड में नॉइज नहीं है। तो अभी जो है गाइस नॉइज सप्रेशन ऑन ही रखते हैं ताकि आपको जो है गाइस आइडिया आएगी, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही खतरनाक वाला फीचर है, इनबिल्ट नॉइज सप्रेशन इसमें जो है गाइस ऐड कर दिया है। एंड उसी के साथ यहाँ पे अगर आपको लाइट चेंज करनी है, आपको मूड बनाना है, तो आप जो है गाइस वो भी कर सकते हो, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे कुछ माइक बंद करने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग बंद करने की जरूरत नहीं है, अब जो है अपनी RGB जो है गाइस ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हो। एंड रही बात अबाउट द वॉइस गेन वाला नॉब, तो नीचे जो आप ये नॉब देख रहे हो गाइस, इससे जो है आप अपनी वॉल्यूम जो है एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गाइस अगर मुझे कम करनी है, लेट्स समझ लो आपको जो है गाइस थोड़ी ASMR वाली वीडियो बनानी है, थोड़ी यू नो ऑडियो चाहिए, तो ऑफकोर्स अभी जो है ऑडियो बहुत कम हो गई है, तो आप जो है गाइस अभी एकदम नजदीक जाके अच्छी तरीके से बोल सकते हो। एंड जब भी आप ऐसे बात करते हो, पता नहीं क्यों आवाज जो है बहुत सेक्सी लगती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। वही अगर जो है गाइस अभी मैं अगर नॉब यहाँ पे घुमा देता हूँ, यहाँ पे
इसकी ऑडियो जो है, तो मुझे जो है गैस अगर मैं ज्यादा दूर जाता हूँ तो मैं जो गैस ये नॉब की जो है डिस्टेंस बढ़ा सकता हूँ या फिर गेन बढ़ा सकता हूँ ताकि मेरी आवाज जो है गैस दूर से भी अच्छी खासी सुनाई दे। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही खतरनाक फीचर है। नॉइस सप्रेशन है जो आप ऑन कर सकते हो, एंड फिलहाल के टाइम में ये ऑन ही है, तो मैं अगर मैं शांत हो जाता हूँ फिर से फुल सन्नाटा ना भाई, फुल सन्नाटा। तो ये जो है गैस बहुत काम की चीज है अगर आप लाइव स्ट्रीम करते हो, अगर आप नॉर्मल रिकॉर्डिंग भी करते हो तो। और इसी के साथ जो है गैस एक और चीज बताता हूँ, जो कि गैस यहाँ पे सामने जो है एक आप 3.5 mm का जो है गैस एक जैक वाली पोर्ट देख रहे हो, तो आप उसके अंदर जो है गैस आप अपना ये हेडफोन लगा सकते हो। ठीक है, ये जो है मैंने हेडफोन लगा दिया, तो एक बार जो है गैस आपने लगा दिया तो आप जो है गैस अगर हेडफोन पहनते हो तो आप जो हो अपनी खुद की आवाज सुन सकते हो, एंड उसके हिसाब से जो है आप यू नो लाइक माइक गेन बराबर है, कम है, ज्यादा है, जो भी है आप सेट कर सकते हो। एंड उसी के साथ नॉइस सेपरेशन भी आप चेक कर सकते हो कि भाई काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो दैट इज रियली रियली गुड। एंड एक और चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये माइक्रोफोन यूज कर रहे हो, मेक श्योर कि आप पॉप फिल्टर के सामने बात कर रहे हो, ठीक है, ना कि पीछे साइड। ठीक है, क्योंकि ये जो माइक्रोफोन वर्क करता है वो ऐसे वर्क करता है, तो लेफ्ट राइट एंड सामने पीछे की जो है गैस ऑडियो यहाँ पे ज्यादा सुनाई नहीं देगी, तो गैस वो एक चीज ध्यान रखना। तो डेफिनेटली गैस अगर आप प्लान कर रहे हो एक बजट गेमिंग माइक लेने का लाइव स्ट्रीम्स के लिए या फिर नॉर्मल रिकॉर्डिंग के लिए, तो गैस मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा ये DM20 लेना। मैंने जब अपना माइक खरीदा गैस 2 साल पहले, बहुत एक्सपेंसिव माइक है, तो अगर उस टाइम ये प्रोडक्ट होता मैं जो है गैस डेफिनेटली इससे जाता। अभी ये स्पॉन्सर्ड है इस वजह से मैं नहीं कह रहा हूँ, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। RGB है, नॉइस सप्रेशन है भाई, और क्या चाहिए भाई। ये जो भी आपने ऑडियो सुनी है ये रॉ है, कुछ इसमें मैंने फिल्टर विल्टर डाला नहीं है, तो अगर आपको खुद से और कुछ चाहिए आप जो गैस उसके बाद एडिटिंग में कुछ भी इफेक्ट वगैरह डाल सकते हो, लेकिन आई थिंक अनएडिटेड भी बहुत अच्छी खासी आवाज इससे निकलती है। सो बस गैस इतना ही आज के वीडियो में, वंस अगेन थैंक्स अलॉट माओनो टीम को यहाँ पे ये जो है गैस बजट गेमिंग माइक्रोफोन भेजने के लिए DM20। अगर आपको परचेस करना है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। दैट्स इट, इतना ही आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी डू गिव इट अ लाइक, एंड मैं मिलता हूँ गैस आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। Thanks for watching.